डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स के वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगाते हैं एंड द टॉप पोर्शन ऑफ द लाइन शो द TDC एंड बॉटम शो द BDC। और ये जो स्ट्रोक है ये सक्शन स्ट्रोक शो करता है, दिस द सक्शन स्ट्रोक। और जैसा कि हम जानते हैं टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन, दिस इज़ द पिस्टन, ये TDC से BDC की तरफ जाती है, BDC से TDC की तरफ जाती है। दिस इज़ द पिस्टन एंड इट मूव्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द TDC। दिस इज़ TDC एंड दिस इज़ BDC एंड दिस इज़ द लाइन डिनोटिंग TDC एंड BDC। और हमने इस पे ये सक्शन स्ट्रोक है ये भी शो किया है, दिस द सक्शन स्ट्रोक। हम देख सकते हैं ये स्ट्रोक है और यहाँ से जो क्रैंक है वो पूरा 180 डिग्री रोटेट करता है फ्रॉम BDC टू TDC एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज वन स्ट्रोक। और एज पर द डिटेल्स एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो, जो इनलेट वाल्व है, इनलेट व पोर्ट है इस वाले जो टू स्ट्रोक इंजन है, इनलेट पोर्ट ओपन कब होना चाहिए? इनलेट पोर्ट आइडियली शुड ओपन एट BDC पर, वो उससे पहले ही ओपन हो जाता है, सो एज टू अलाउ मोर ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर टू एंटर इनसाइड द क्रैंक केस एंड इट नॉट ओनली इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इट ऑल्सो एनहांसेस बेटर एंड एफिशिएंट कंबशन। एक इफेक्ट होता है रैम इफेक्ट, RAM रैम इफेक्ट। इस इफेक्ट की हम चर्चा करते हैं और जब हम इस बात का कारण बताते हैं कि इनलेट वाल्व BDC पर खुलना चाहिए पर उससे पहले क्यों खुल जाता है। इनलेट पोर्ट जो है वाल्व की बात, हम वाल्व जो टर्मिनोलॉजी है वो हम फोर स्ट्रोक इंजन्स में बातें करते हैं, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन्स के लिए हम पोर्ट जो टर्मिनोलॉजी है POR पोर्ट, इसके बारे में बात करते हैं। तो इनलेट पोर्ट फंक्शन दोनों का सेम ही है, हाउएवर द मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग डज डिफर, मैकेनिज्म एंड कंडीशंस एक्चुअली ऑफ फंक्शनिंग डिफर। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, हम देख सकते हैं, और ये कितनी पहले ओपन होता है ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, आराम से 35 डिग्री पहले जो है वो ओपन होता है इनलेट वाल्व, इनलेट पोर्ट जो है वो ओपन होता है 35 डिग्री पहले, बिफोर बॉटम डेड सेंटर, ठीक है ना। बिफोर बॉटम डेड सेंटर का अर्थ ये है कि जो पिछला स्ट्रोक है, यानी कि जो डाउनवर्ड स्ट्रोक था उसमें BDC से पहुंचने के कुछ समय पहले ही, बिफोर रीचिंग द BDC द इनलेट वाल्व ओपन्स फॉर द नेक्स्ट फॉर द अपवर्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है और उसके बाद में ये अपवर्ड स्ट्रोक आता है, दिस इज द अपवर्ड स्ट्रोक, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जैसे हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि इसमें सक्शन और कंप्रेशन दोनों होते हैं, तो लगभग 35 डिग्री आफ्टर BDC द इनलेट वाल्व रिमेंस ओपन, से 35 डिग्री 35 डिग्री है और यहाँ पे इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है लेकिन पिस्टन TDC की तरफ बढ़ती रहती है और इससे जो चार्ज है, जो ऑलरेडी एडमिटेड चार्ज है, उसका कंप्रेशन होता है और TDC पे पहुंचने से, पिस्टन के TDC पे पहुंचने से कुछ डिग्रीज पहले, लगभग 20 डिग्री पहले, 20 डिग्रीज बिफोर, दिस इज़ 20 डिग्री एंड 20 डिग्रीज बिफोर एक स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, यानी कि हम कह सकते हैं इग्निशन इस पॉइंट पे होता है, दिस द पॉइंट ऑफ इग्निशन। मैं इसे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये इग्निशन का पॉइंट है और सिंस दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इग्निशन, और अब क्या हो रहा है, इतने हिस्से में यहाँ से कंबशन हो रहा है, कंबशन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इस वाले पॉइंट से, और यहाँ से कंबशन स्टार्ट रहता है और कंबशन टेक प्लेस करता है और इसके बाद ये जो स्ट्रोक जा रहा है डाउनवर्ड स्ट्रोक, इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक है, दिस इज़ द पावर स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रोक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पावर भी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, पावर इज़ बीइंग प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन, ये पावर स्ट्रोक है और साथ में एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी है, हमने बताया था दिस इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक आल्सो। और एग्जॉस्ट स्पोर्ट BDC पे, पिस्टन के BDC पे पहुंचने से कुछ डिग्रीज पहले
यानी कि लगभग 43 डिग्री पहले हम देख सकते हैं, इट हैज़ बीन शोन 43 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करता है और वो ओपन किए रहता है और पिस्टन इज नाउ एट BDC। व्हेन द पिस्टन अब यहाँ पे ओपन करता है तो उसकी क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो अपवर्ड स्ट्रोक में पिस्टन के BDC से लगभग 43 डिग्रीज आफ्टर BDC वो एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज करता है 43 डिग्री। दिस इज द पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोजेस। तो इसका कारण ये रहता है ताकि अच्छी तरह से द एग्जॉस्ट ऑफ द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं बाय मीन्स ऑफ स्कैवेंजिंग प्रोसेस, और जो फ्रेश चार्ज आ रहा है वो उन्हें अच्छे से बाहर फेंक दे। इट शुड बी एबल टू स्कैवेंज देम बाय विद द हेल्प ऑफ द डिफ्लेक्टर और द क्राउन थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। जी हाँ, तो ये वॉल्व टाइमिंग डायग्राम है टू स्ट्रोक इंजन्स के लिए। फिलहाल हमने यहाँ पे पेट्रोल इंजन्स की बात की है, द सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर द डीजल इंजन, सिर्फ देर विल बी डिफरेंस इन द इंस्टेड ऑफ द स्पार्क और इग्निशन देर विल बी फ्यूल इंजेक्शन होगा। रैम इफेक्ट के बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे, रैम इफेक्ट क्या होता है, और जब हम फोर स्ट्रोक इंजन्स के वॉल्व टाइमिंग डायग्राम की बात करेंगे तब हम रैम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक ब्रीफ आइडिया जो मैं यहाँ पर रैम इफेक्ट के बारे में देना चाहूँगा वो ये है कि रैम इफेक्ट एक इनर्शिया इफेक्ट होता है। रैम इफेक्ट इज वन ऑफ द इनर्शिया इफेक्ट जिसके कारण जब इनलेट पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करता है क्रैंक केस के अंदर, हम देख सकते हैं इस प्रकार से करता है, पिछली स्लाइड में वी कैन सी इन द प्रीवियस स्लाइड, जब यहाँ से एंटर करता है तो जो एयर का मोमेंटम होता है उस समय एयर फ्यूल मिक्सचर का, एयर का मोमेंटम रहता है, तो अगर इनलेट वाल्व को कुछ मिली सेकेंड्स ज़्यादा खोल दिया जाए, कुछ मिली सेकेंड्स पहले खोल दिया जाए बिफोर द बॉटम डेड सेंटर, मिली सेकेंड्स कहें इन टर्म्स ऑफ द पिस्टन ट्रैवल या फिर क्रैंक ट्रैवल क्रैंक रोटेशन की टर्म्स में कुछ डिग्रीज बिफोर कहें बॉटम डेड सेंटर BDC पोजीशन से कुछ डिग्रीज बिफोर खोल दिया जाता है, तो हम ड्यू टू मोमेंटम ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर वी विल बी एबल टू एडमिट मोर ऑफ द एयर फ्यूल मिक्सचर फॉर एफिशिएंट बर्निंग ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रैम इफेक्ट, और हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम फोर स्ट्रोक इंजन्स के वॉल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।